दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम 2010 में चाइना के हाईवे C110 पे हुआ था। ये इतना बड़ा ट्रैफिक जैम था कि इसमें गाड़ियां एक दिन में सिर्फ 1 किलोमीटर तक फासला कवर कर पा रही थी, और अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो C110 हाईवे पे 100 किलोमीटर का पैच सिर्फ ट्रैफिक जैम की वजह से चौक था। अथॉरिटीज की तरफ से इस ट्रैफिक जैम का जो रीजन बताया गया वो बीजिंग जाने वाली एक्स्ट्रा ट्रक्स थी, और इत्तेफाक से उस वक्त हाईवे का मेंटेनेंस काम भी चल रहा था। जहां लोग कई दिनों तक इस ट्रैफिक जैम में फंसे रहे, वहीं हाईवे के आसपास लोकल्स की चांदी हो गई। उन्होंने 10 टाइम्स ज्यादा कीमत पर खाने पीने की चीजें बेचना शुरू कर दी। 12 दिनों तक फंसे रहने के बाद आखिरकार अथॉरिटीज ट्रैफिक जैम खुलवाने में कामयाब हो गई।